इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेता अजय सिंह यादव ने अपने पद से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खड़गापुर से टिकट की मांग कर रहे थे अजय सिंह यादव और अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, पद से भी इस्तीफा दिया है। अजय सिंह यादव ने विधर ग्वालियर में कांग्रेस नेता केदार कंसादा ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। सागर से कांग्रेस नेता शारदा खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। सतना से बीजेपी नेता रत्नाकर चतुर्वेदी ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक रसाल सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। कटनी से बीजेपी के कद्दावर नेता गणेश राव ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इन तमाम नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा अपने आप में एक नई तस्वीर बनाता है सियासत में। कांग्रेस में टिकट जारी होने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी पार्टी से कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया है, इस्तीफा दे दिया है। सतना से बीजेपी के नेता रत्नाकर चतुर्वेदी ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया है। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पार्टी, दोनों ही पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। बगावत के सुर यहां साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। टिकट की मांग कर रहे थे, कुछ गंभीर आरोप भी नेताओं ने लगाए हैं अपनी अपनी पार्टी पर इस्तीफा देने के बाद में। अजय सिंह यादव ने भी एक वीडियो जारी करके आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर, ये तमाम बड़े आरोप। अब जब इस्तीफा दे दिया पार्टी से, उसके बाद में ये नेता लगा रहे हैं। कांग्रेस से कांग्रेस नेता शारदा खटीक ने भी इस्तीफा दे दिया है। सतना से बीजेपी के नेता रत्नाकर चतुर्वेदी ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। ये वो नेता है जिन्होंने टिकट की मांग की थी, पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस्तीफा दिया है। तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की टिकट जारी होने के बाद में एक तरफ कांग्रेस के नेताओं ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, जबकि बीजेपी के नेताओं ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, पद से भी इस्तीफा दे दिया। चलेंगे ग्वालियर और राजधानी भोपाल, बात करेंगे हमारे दोनों सहयोगियों से। कंड मिश्रा और शब्बीर अहमद जुड़ गए हमारे साथ में। पहले शब्बीर, आप ही का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, ये पार्टी से इस्तीफा दे देना कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का, चुनाव से ठीक पहले आचार संहिता लागू हो गई है, सूचियां जारी हो रही है, इस बीच ये कितना नुकसान पहुंचाएगा उन सियासी दलों को जहां से नेता छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की तरफ से 144 नामों का ऐलान किया गया और विरोध के सुर की बात की जाए, जो आपका सवाल था कि कितना नुकसान पार्टियों को पहुंचेगा, तो दो सीट तो लग रही कि कांग्रेस के अंदर ज्यादा बगावत की तस्वीर देखने को मिल रही है। एक जहां पर करण मौजूद है उस जिले में देखने को मिल रहा है, ग्वालियर ग्रामीण में। इसके अलावा दूसरा जो सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है, सतना के नागोद में। यहां से यादवेंद्र सिंह विधायक भी रहे, पिछली बार मामूली अंतर 1000-1200 के करीब से हारे थे, लेकिन पार्टी ने इस बार उनको भरोसा नहीं जताया। वहां से रश्मि सिंह जो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, करीब 25,000 वोट लेकर गई थी। तो कांग्रेस के अंदर जो सियासी गुड़ाभाग, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कुछ देर पहले भी, कि कांग्रेस की तरफ से कोशिश किया गया है कि अपना वोट बैंक और उनका वोट बैंक मिला के जीता जाए, लेकिन उन्होंने कई तरीके के गंभीर आरोप यादवेंद्र सिंह ने, हमारे जो सहयोगी हैं शिकिल व्यवहार, उनसे बातचीत करी और उसमें भी उन्होंने कहा कि 2 करोड़ में टिकट बिका है। यह बड़ा आरोप यादवेंद्र सिंह की तरफ से लगाया गया है शुभम। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सज्जन सिंह वर्मा के कारण मेरा टिकट गया है और मैं अजय सिंह का करीबी हूं, इसलिए मेरा टिकट काटा गया है। और यह भी आरोप है उनका। एक और सीधे कमलनाथ पर अटैक किया गया कि कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा को जो महिला गुलदस्ते देती है उनको टिकट दिया गया, तो काफी गंभीर आरोप है। इसके अलावा बात की जाए तो हम अजय यादव जो टिकट मांग रहे थे खरगापुर से और कह रहे थे कि ओबीसी को टिकट मिलना चाहिए, उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसे ही नरियावली में भी इस्तीफे हुए हैं, लेकिन ज्यादा विरोध नहीं देखने को मिला है। सिर्फ रतलाम, माफ कीजिएगा, हम ग्वालियर ग्रामीण की बात करें या फिर नागौद की बात करें, इन दो सीटों को छोड़ दिया जाए, बाकी तरह की बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर जो विरोध हम देखते रहे उस तरीके का इस बार विरोध नहीं हुआ है। विरोध इस बार काफी मामला जो कांग्रेस की तरफ से विरोध देखने को मिला है। ग्वालियर में किस तरह की स्थिति के, शब्बीर अभी जिक्र कर रहे थे कर्ण, कि ग्वालियर ग्रामीण में बगावत के सुर सुनाई पड़े हैं, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी को ये नुकसान देंगे बगावत के सुर? कर्ण मिश्रा, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में जो बगावत के सुर उठे हैं उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केदार कंसाना, जो कि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लगातार पार्टी आलाकमान से जुड़े हुए थे,
लेकिन जब आज सूची जारी करी गई और साहब सिंह गुर्जर को ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से टिकट दिया गया, उसके बाद केदार कंसाना के साथ ही उनके भाई कल्याण सिंह कंसाना जो कि वर्तमान में ग्वालियर ग्रामीण के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही 300 से ज्यादा पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनने इस्तीफा दिया। इसके साथ ही केदार कंसाना ने खुद टीम केदार के नाम से एक सदस्यता अभियान शुरू किया था। इसमें 25,375 लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ते हुए पार्टी में शामिल कराया था और उनके द्वारा भी ये सामूहिक इस्तीफा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी की स्थिति बन चुका है। क्योंकि 2008 के परिसीमन के बाद ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा अस्तित्व में आई थी, उसके बाद से आज तक वहां पर कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। उम्मीद की जा रही थी इस बार पार्टी ने दावा भी किया था कि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में मजबूत प्रत्याशी को उतारा जाएगा और उसके बाद कोई विरोध के सुर नहीं उठेंगे, एक साथ मिलकर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में प्रत्याशी जो है मैदान में होगा और हम जीत दर्ज भी करेंगे। लेकिन जिस तरह के हालात फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का विषय बन चुके हैं। हालांकि यदि मैं ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की बात ही ग्वालियर चंबल अंचल में लाहर सीट की करता हूं तो वहां पर बीजेपी के अंदर भी स्थिति अब ठीक नजर नहीं आ रही है। वहां पर असाल सिंह ने अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। क्योंकि वहां पर अमृत शर्मा और गुड्डू को टिकट दिया गया है, जो कि डॉक्टर गोविंद सिंह जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है उनके खिलाफ मैदान में पार्टी ने उनको उतारा है। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने जो गंभीर आरोप पार्टी पर लगाए हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़ा चिंता का विषय रहने वाले हैं। लिहाजा अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल के इस चुनावी रण में जिस तरह से 2018 के आंकड़ा कहते हैं कि 26 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी जबकि 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन वर्तमान में आज के दौर में 17 सीटें बीजेपी के पास हैं और 17 सीटें ही कांग्रेस के पास है। यानी साफ तौर पर कड़ा मुकाबला है। उस कड़ा मुकाबले के बीच जिस तरह के पार्टी के टिकट सामने निकल कर आ रहे हैं और बगावत के सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं।